लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर में भील जनजाति को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर बवाल सामने आया है। इसी को लेकर पंधाना विधायक राम दांगोरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एमपीपीएससी के पेपर में सी सेट के अंदर एक अनसीन पैसेज में भील जनजाति को शराब में डूबी हुई धन कमाने के लिए गैर वैधानिक और अनैतिक कामों में लिप्त जनजाति बताया गया है, जिसको लेकर खंडवा जिले के भील समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। भील समाज से आने वाले पंधाना के भाजपा विधायक राम दांगोरे ने एमपीपीएससी से इसको लेकर शिकायत करने की बात कही है, तो वही काला कपड़ा लहराकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि विगत 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा तो संपन्न हो गई, लेकिन परीक्षा के बाद भील जनजाति के लोगों ने पूछे गए सवालों और अनसीन पैसेज पर ही सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर के सी सेट में लिखे गए अनसीन पैसेज में भील जनजाति को आय से अधिक खर्च करने वाला और शराब में डूबी हुई जनजाति बताया गया है। इसी को लेकर पंधाना विधायक राम दांगोरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन का वाचन कर तहसीलदार को सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ज्ञापन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग का एक उपक्रम है, जिसके माध्यम से राज्य की सबसे बड़ी शासकीय परीक्षा ली जाती है और इसका प्रश्न पत्र सेट करने वाले लोग एक मानसिक संतुलित लोग माने जाते हैं। एक उनका अपना बौद्धिक स्तर होता है, लेकिन कल के पेपर में देखने में यह आया कि एक जनजातीय समुदाय जिसका अपना इस देश में गौरवशाली इतिहास रहा है, देश की 1857 की क्रांति से लेकर के तो 1947 तक की आज़ादी और उसके बाद तक जनजाति समुदाय का इस राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनजाति समुदाय ने न सिर्फ देश के लिए बलिदान दिया है, बल्कि और पीछे जा कर के अगर देखा जाए तो भगवान राम को लंका तक ले जाने में भी जनजाति समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवान राम ने भील सबरी माता के झूठे बेर खाए हैं। राणा प्रताप ने भीलों के माध्यम से मुगलों के साथ में अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाइए आप, 7 किलोमीटर बड़ौदा तक जाएंगे तो यहाँ भील समाज के क्रांतिकारी टंट्या भील हुए, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश के लिए बलिदान हो गए। और भी अगर अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो भील समाज का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहला जो जीके का पेपर था उसमें निमाड़ क्षेत्र के सोनू गोलकर जी पर एक प्रश्न आया है कि 2018 का विक्रम अवार्ड किसको मिला। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।